फ्रेंड्स, सिंपल एंड यूनिक किचन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शाली। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अलग स्टाइल से आलू लेके आई हूँ। इस आलू की खासियत क्या है, आप कहीं सफर में जा रहे हैं तो इस तरह से आलू बना के ले जाएं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बहुत ही सिंपल है। अगर आलू पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए झटपट आलू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई गैस पे रखी है, इसमें हमने पानी रखा है और इसे गर्म होने के लिए रख देते हैं पानी को। इधर ही हमने कुछ कच्चे आलू लिए हैं, 10-12 कच्चे आलू ले लिए, और इन आलू को हम हाफ ऑफ पीस में कट कर लेते हैं। पहले हमने इन आलू को खूब अच्छे से धो के साफ कर लिया है और उसके बाद हम इन आलू को दो दो पीसेस में कट करके रखते जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और जब हमारा ये पानी में बॉईल आने लग जाए तो इन आलू को पानी में हम डाल देते हैं। अब पानी में इसे हम हल्का सा पका लेते हैं, मतलब कि हमारे ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, इतना हमें इस पानी में इन्हें पकाना होता है। हम बीच बीच में देखते जाएंगे, इसे चलाते रहते हैं और चेक करते जाते हैं। हमें आलू को थोड़ा सॉफ्ट करना होता है, इतना कि हमारी जैसे ये फॉर्क है आलू के अंदर आसानी से इसमें घुसने लगे। जैसे कि ये देखिए, हमारा ये बिल्कुल आलू जो है हल्के सॉफ्ट हो गए हैं, हमारा ये फॉर्क अंदर जा रहा है आलू के। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इन आलू को एक प्लेट में या बाउल में निकाल लेते हैं। ये हमने इन आलूओं को निकाल लिया है एक बाउल में। इसके बाद इन आलू को हम थोड़ा सा गुनगुना होने देते हैं, मतलब हल्का सा ठंडा, और उसके बाद हम इसमें ऑयल डालते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम ठंडे नहीं करने होते, हल्का सा गुनगुना हो जाए। एक स्पून ऑयल हम इसमें डाल देते हैं और एक स्पून ऑयल डालने के बाद खूब अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे आलू में यह ऑयल अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करते हैं स्वाद अनुसार नमक। नमक ऐड करने के बाद इसमें हम बाकी के मसाले, जैसे कि सबसे पहले हमने ये हल्दी पाउडर ऐड किया है, इससे कलर बहुत अच्छा आता है, वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमने ये लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दी है, थोड़ा सा हम ये धनिया पाउडर ऐड कर देते हैं इसमें। धनिया पाउडर थोड़ा ठीक क्वांटिटी में हमने ऐड किया है। सॉफ्ट पाउडर आप ज़रूर ऐड कीजिए और अच्छी क्वांटिटी में ऐड करते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। फिर हमने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर दिया है। लास्ट में ये कसूरी मेथी भी आप ज़रूर ऐड कीजिए इसमें। ये ऐड कर दिया और इन सारे मसालों को बहुत अच्छी तरीके से इसमें हम मिक्स कर लेते थे कि जो भी सारे आलू हैं इन पे ये सारे मसाले अच्छी तरीके से चिपक जाएं, क्योंकि ऑयल डाला हमने तो ये सारे मसाले आलू पे चिपक जाते हैं बिल्कुल, उसे मसालों से इन आलुओं को ये कवर कर लें। इस तरीके से हमने ये देखिए सारे आलू को जो है मिक्स करके इस पे ये मसाला हमारा अच्छी तरीके से चिपक गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए साइड से रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि हमारा ये मसाला इसमें सेट हो जाए। 5 मिनट बाद हम एक पैन गैस पे रखते हैं। अब पैन में हम ऑयल डाल के इसे गर्म कर लेते हैं और जब हमारा हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए, मतलब कि बस एक स्पून ऑयल डालना होता है, इन आलू को ले जाके हम इसमें डाल देते हैं और जो भी इसका मसाला है वो इसमें हम डाल देते हैं। और फिर इन्हें इसी ऑयल में, इतने से ही ऑयल में इसे हम थोड़ा सा पका लेते हैं, मतलब इसे थोड़ा सा चलाते जाते हैं और इसे थोड़ा भूनते जाते हैं और हल्का सा हम आलू को तैयार कर लेते हैं। गैस को मीडियम ही रखते हैं, तेज नहीं रखते हैं, और इस आलू को तैयार कर लेते हैं इस तरीके से। हल्का सा आप देखेंगे कि हमारा ये मसाले जो है सारे पक गए हैं, बिल्कुल एकदम भी कच्चे नहीं लगेंगे, हल्का सा ये हमारा कलर चेंज होने लग जाए। आलू को आप चलाते ज़रूर रहिए, नहीं तो ये एक तरफ से जलने लग जाएंगे अगर आप एक तरफ रखेंगे तो। जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम हमारे मसाले सेट हो गए। हम अपने स्पून भी देख लेते हैं, हमारे बिल्कुल आलू एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरीके से खाने के लिए रेडी हैं। तो हमारे ये आलू जो है बिल्कुल बनके तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे निकालते हुए बाउल में सर्व करते हैं। आप लोगों को ये आलू कैसे लगे जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए इस बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।